गुड मॉर्निंग गाइस, पोर्ट बेयर की अगली सुबह में आप सभी का स्वागत है। और अभी बजी है यहाँ पे 5:47। देखो, मैं आपको बताता हूँ, जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये देखो। अरे यार देखो, मैं दिखाता हूँ, क्यों बता रहा हूँ अभी आपको, इसका कारण बताता हूँ। देखो, 5:48 हुए हैं और यहाँ ना सुबह है ना, देखो कितनी ज़बरदस्त है, कितनी तेज हो जाती है 5:48। मैं तो खैर अभी बहुत पहले उठ गया था, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये हमारे रूम से है, मतलब काफ़ी अच्छी सुबह हो चुकी है, काफ़ी अच्छी सुबह हो चुकी है, बहुत अच्छा उजाला आ चुका है ये। और ये बहुत पहले आ चुका है, मतलब करीबन 5:20 या 5:20 के आसपास ही यहाँ पे जो है ना सूरज आ जाता है। तो कहने मतलब ये है कि कहने को तो ये इंडिया में, हम इंडिया में हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है टाइम, सुबह शाम के टाइम का थोड़ा सा फ़र्क है यहाँ पे। होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ही यूज़ है यहाँ पे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कल रात को भी हमने देखा था कि 5:30 बजे के आसपास यहाँ पे जो है रात हो गई थी, तो इसीलिए। खैर, अभी तो उठते हैं हम, तैयार व्यार होंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद जो है हमारी जो बोट है, बोट मतलब कि हम जा रहे हैं हेवलॉक, 11:30 बजे की है, हमें चेकआउट करना है। और उसके बाद यहाँ से हम जाएंगे बोट बेर के फेरी पॉइंट पे, उसके बाद वहाँ से हमारी फेरी है 11:30 बजे की, और फिर वहाँ से हमें 1 घंटे 10 मिनट की फेरी है हेवलॉक के लिए, 1 घंटे 20 मिनट की शायद ऐसी कुछ फेरी है हमारी, तो वहाँ हम पहुँच जाएंगे, तो वहाँ पे घुमाएंगे। अभी तक का तो जो सफ़र है बहुत अच्छा चल रहा है, तो चलिए आपसे मिलते हैं, थोड़ी देर में आपसे मुलाकात करेंगे। बाय बाय। ये हमारा होटल है अभी, जी इंटरनेशनल, और इसके बाहर का जो वेदर हो रहा है ना भाई, गजब शानदार वेदर हो रहा है एकदम, तो मज़ा आ रहा है देख के। अभी सुबह के 7 बजी है, वो सामने आप देख रहे हो ना, वो रनवे, वो एयरपोर्ट है हमारे होटल से जस्ट सामने। और अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है, ये तो सेवैयाँ हैं, ब्रेड बटर आ गया है, ये छोले की सब्जी है और एक पूड़ी है। तो फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं पहले, सुना तो चालू भी कर दिया। हाँ, तो हम अभी कर लेते हैं। अभी हमें ना सामान लेकर आए ग्रोसरी से, जाके थोड़ा सामान, एक वो चीज़ दिखानी है यहाँ पे ना, तो एक तो केक, एक केक, एक और एक कोल्ड ड्रिंक का कैन, दो चिप्स के पैकेट, और ये चीज़ यार ये वहाँ मिलती ही नहीं है, पता नहीं, मैंने तो कभी देखा नहीं, बहुत ढूंढा है। सब सामान आया 225 रुपये का, और यहाँ पे थैली की जो रिसाइकल वाली यूज़ होती है, जो बहुत ही अच्छी बात है। अभी सामान को, और फिलहाल तो हम वेट कर रहे हैं अपने पिकअप का, उसके बाद हम जाएंगे फेरी टर्मिनल में। अगली सुबह हम निकल चुके थे हेवलॉक आइलैंड जाने के लिए, और हेवलॉक जाने के लिए आपको पोर्ट ब्लेयर से फेरी लेनी पड़ती है। फेरी आप प्राइवेट भी ले सकते हैं या फिर गवर्नमेंट फेरी भी ले सकते हैं। प्राइवेट फेरी में है, आपके पास ऑप्शंस होते हैं ग्रीन ओशियन, नॉटिका और मक्रूज़। तो हमने जो फेरी ली थी वो ली थी हमने मक्रूज़ की, जिसका टिकट था करीबन 1700 रुपये पर पर्सन, वन साइडेड टिकट। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। बहुत ही सुंदर मौसम हो रहा है, ये साइड में तो एयरपोर्ट चल रहा है और ये फेरी का इस तरफ हम जा रहे हैं, यहाँ से 20 मिनट का रास्ता है, ये शायद स्कूल है यहाँ का, एक बहुत छोटा सा है, वैसे छोटा है लेकिन घूमने जाए तो बहुत बड़ा है। थोड़ी सी देर में हम फेरी पॉइंट पहुँचेंगे और फिर दोबारा से मैं आपसे वहाँ पे ज्वाइन होगा। टर्मिनल पे आएंगे, टर्मिनल है यहाँ पे, जैसे एयरपोर्ट में होते हैं वैसे टर्मिनल बने। अभी हम अपने मरकूज़ में बैठे हैं और 12:30 बजे यहाँ से हमारा डिपार्चर है। करीबन 12 बजे हम यहाँ आए थे, 12 बजे जो होता है, 11:30 बजे आपको चेकिंग कराना होता है, एयरपोर्ट के तरीके सारा प्रोसीजर होता है। और अभी हम एकदम विंडो सीट पे बैठे हैं, ठीक विंडो सीट पे। पोर्ट ब्लेयर से हेवलॉक आइलैंड की दूरी करीबन करीबन 80 किलोमीटर है, और पोर्ट ब्लेयर से आपको हेवलॉक पहुंचने में 1 घंटे 30 मिनट लग जाते हैं। एक चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखें, जब भी आप प्राइवेट फेरी लें या गवर्नमेंट फेरी लें, आपको फेरी टर्मिनल ही जाना पड़ता है, और इसमें वही प्रोसीजर होता है जो एयरपोर्ट पर होता है। आपकी जो एंट्री होती है उसमें पहले आपकी आईडी और टिकट चेक होते हैं, उसके बाद आपको अपने फेरी के काउंटर पर जाकर चेकिंग कराना पड़ता है, और उसके बाद आपकी वापस सिक्योरिटी चेकिंग होती है, और फिर आप एक रूम में बैठा दिए जाते हैं जहाँ पर आपको वेट करना पड़ता है। तो समय का ध्यान रखें, अगर आपकी फेरी 11:30 की है तो 10:15 बजे तक आप फेरी टर्मिनल पहुँच जाइए। और रही बात अंडमान के मौसम की, तो यह तो बदलता रहता है, सफ़र का आनंद लीजिए।
और अगर आप सोच रहे हैं कि आप 1 घंटा 30 मिनट क्या करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इस फेरी में आपके पास एक टीवी स्क्रीन लगी होती है सामने की तरफ, और साथ में साथ रिफ़्रेशमेंट का एक छोटा सा काउंटर भी बना हुआ होता है जहाँ पे आप कुछ खुद खरीद के कुछ खा पी भी सकते हैं। और बाकी सी का जो आनंद है वो अगर आपके पास विंडो सीट मिल जाए तो और भी मज़ा आ जाता है, क्योंकि अंडमान की सुंदरता तो यही है। अंडमान की हर चीज़ हमें अपने आप की ओर आकर्षित करती है, ऐसा लगता है मानो हम जिसे ढूंढ रहे थे वो तो यहीं पे था। और अभी हम 1.5 घंटे का सफ़र करके पहुंच गए हैं हैंगलॉक। आप मेरे पीछे देखो ना, ये पोर्ट है जहाँ से हम आए हैं, मकरूज से हम आए हैं, और उधर नॉटिका का भी है पीछे, सेना एक बार दिखाते हैं नॉटिका का, ये नॉटिका का है। 1.5 घंटे आपको पहुँच देना है, ले लिया है। और अभी फटाफट हमारे जो पिकअप टैक्सी आएगी उधर चलते हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। हम जयपुर राजस्थान से, पड़ोसी है। कहाँ से? अच्छा, यूपी से है। बहुत बढ़िया। तो अभी बारिश का क्या सीन है यहाँ पे? बारिश तो तगड़ा होता सर, बारिश का नहीं, अभी अभी करंट अभी क्या है, कल परसों भी है आज। हाँ हाँ, आप आज तो राधा नगर आपके बगल में ही है। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद आपका एलिफेंटा है। हाँ, एलिफेंटा है। हाँ, तो आज ही एलिफेंटा? नहीं नहीं, कल है, आज तो अब टाइम ओवर हो चुका है। वहाँ मॉर्निंग 8:30 स्टार्ट करते हैं और आफ्टरनून तक रखते हैं, तो एलिफेंट कल चल जाएंगे हम, अगर बारिश नहीं होगी तो। अच्छा, फिर अगर बारिश होती है तो फिर हम लोग काला पत्थर के लिए निकलेंगे। हाँ, काला पत्थर भी देखना है। फिर एलिफेंटा नहीं हो पाएगा। काला पत्थर कितना दूर है सर? ऐसे ही है, सिंपल बीच है, जैसे राधा नगर है वैसे ही बीच ही रहेगा आपका। और ये बड़े बड़े स्टोन्स पड़े हुए हैं, जैसे मुंबई में पड़े हुए हैं साइड में, उसमें बड़े बड़े स्टोन्स पड़े हुए हैं, वो एक अपना अलग नजरिया है, अच्छा लगता है वहाँ जाने से लोगों को, इसीलिए वहाँ लोग जाते हैं। एक अपने ये विजयनगर बीच, लक्ष्मणपुर बीच तो उधर पड़ेगा वो? नहीं नहीं, सॉरी सर, विजयनगर बीच यहीं पे है जहाँ से अभी आप आए हैं, वहीं पड़ जाता है। अच्छा, विजयनगर बीच वही है, वो अराउंड इस एरिया में साइड साइड से है। अच्छा, साइड साइड से। जब हम काला पत्थर जाएंगे तो वो एरिया विजयनगर। और कौन सा बीच है इधर फेमस? फेमस बीच 3 ही है, राधा नगर, काला पत्थर और ये राधा नगर एलिफेंटा, परवन बीच वही है। एशिया का क्या बढ़िया वेदर हो रहा है, लेकिन मजा आ गया देख के, क्या तो रोड है और ये क्या वेदर हो रहा है, एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी है, बहुत बढ़िया वेदर हो रहा है। और यहाँ पे जैसे स्कूटर वूटर किराए पे हम लेंगे तो क्या पड़ता है? जी जी, आपका 500 से 600 चल रहा रेट है। आप 500 अराउंड लेंगे, बजट 2000। आगे आज तो हमारे पास दिन है नहीं, कल आप ले जाएंगे हमें काला पत्थर है जो भी, तीसरा दिन हमारे पास पूरा खाली है। हाँ, तो सोच रहे हम तीसरे दिन हम एक स्कूटर लेना हो तो हम यहीं से दिला देंगे डायरेक्ट। आप यहाँ से भी? कहाँ से? ये जट्टी से। अच्छा, जेट्टी से। हाँ, यहाँ थोड़ा कम में मिल जाएगा, वहाँ पर भी मिल सकता है, पूछना पड़ेगा। तो हम सोच रहे हैं एक खुद ही, क्योंकि एक ही रोड होगी हम लोग में, और भी ये एक ही रोड है मेन, जहाँ से अभी जट्टी से हम लोग निकले हैं। हाँ, मेन वही है, ये सर्कल के आने से डिवाइड हो जाती है, एक राधा नगर चल जाती है, काला पत्थर। अच्छा, काला पत्थर चल जाती है। तो ये बस ये मतलब छोटा सा होगा, 25 किलोमीटर का है। अच्छा, एक कोना से दूसरा कोना, ये 10 किलोमीटर ये खत्म हो जाएगा, सर्कल से 8 किलोमीटर पे बाद वो खत्म हो जाएगा। हाँ, उसके उसमें थोड़ा लंबा जा सकते हैं, इसमें 10 किलोमीटर बाद ये खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, तो हमारा तो एकदम एंड में हो गया मतलब। हाँ, अभी भीड़ है टूरिस्ट की यहाँ तो? बहुत नहीं, अभी तो नहीं है भीड़, लेकिन सर ये तो भीड़ पीछे देखी मैंने, आपने देखा है सर, वैसा सीन नहीं है, वो कुछ इसमें लोकल्स भी है, कुछ गेस्ट भी है, एजेंट के थ्रू। यहाँ मेडिकल नहीं है भाई, 500 रूपए एक्स्ट्रा पड़ेगा, लेकिन आपकी फुल सेफ्टी की गारंटी वो देगा। अगर ऐसे कोई बाय द वे प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा तो होता नहीं, लेकिन कभी कभी मान लीजिए हो गई तो तुरंत वो हेलीकॉप्टर का अरेंजमेंट वहाँ से कर देता है। नहीं, हम तो ऐसे दवाएं लेके साथ में चलते हैं जो हम भी जाते हैं, लेकिन जैसे माले दोनों कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो गई तो कोई दवा कौन देगा? तो यहाँ पे कोई ऐसी डिस्पेंसरी भी नहीं है, क्लिनिक है, लेकिन फीवर की ही दवा मिलती है। अच्छा, उसके अलावा और कोई मेडिकल नहीं है कि जैसे मान लीजिए आपका, जैसे मान लीजिए तुरंत मतलब ब्लड इमरजेंसी प्रॉब्लम हो गई तो इमरजेंसी के लिए सिर्फ एजेंट ही। वेदर वाकई में बहुत अच्छा है, इतनी बढ़िया रोड हो रही ना, हरियाली देख के मुझे लग रहा है एकदम। फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी एजेंट ही लेगा, सही बात है। वही बोला ना, आप होटल वाला बोल दिया
बहुत ही ग्रीन है, फुल है। यहाँ धूप में आने का मजा नहीं है, ऐसे वेदर में आने का मजा है यहाँ पे। बारिश में अगर किसी को आना हो ना, अभी एकदम सही टाइम है। क्या बढ़िया लग रहा है एकदम, कितना जबरदस्त, मतलब बोरिया हरियाली देख के मजा आ गया।